Hi guys, Mesant. No, update your tech English honors. Today, I'm going to show you how to enable always on display or ambient mode on any Xiaomi device. Then hit the subscribe button and let's begin the video. तो अगर आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले या एम्बिएंट मोड एनेबल करना है कोई भी रेडमी या कोई भी Xiaomi डिवाइस में, तो आपको रेडमी नोट 6, रेडमी नोट 7, रेडमी नोट 7 प्रो, 8 प्रो, 8 और 5 प्रो में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले कभी नहीं मिलेगा मी 11 में, मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। तो अगर आपको एनेबल करना है तो एक ऑफिशियल मेथड है, जैसे कि ऐसा आपको कुछ मिल जाए, ये भी अच्छे से काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो ये आप एनेबल कर सकते हैं। मैं आपको बताऊंगा, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर भी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग लुक भी है। तो इसके लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको 3 डॉट मतलब मेन्यू में टैप करना है, उसके बाद आपको गेम्स, माई ऐप्स और गेम्स में जाके जाना है, और फिर आपको सिंपली अपडेट ऑल कर दीजिए तो आपका काम हो जाएगा डायरेक्टली, या आप डायरेक्टली मैनुअली भी कर सकते हैं। सिंपली आप जाइए गूगल में, गूगल को पहले आप बीटा में लेके जाइए, तभी आपको मतलब वो अपडेट मिलेगा। तो अगर नहीं आप बीटा यूज़र, तो आप सिंपली बीटा यूज़र ज्वाइन कर लीजिए, तो यू आर अ बीटा टेस्टर। तो मेरा बीटा टेस्टर है, तो मतलब आपको ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आप नहीं है, आपको गूगल बीटा ऐसे ब्रैकेट में बीटा देखेगा तो ऐसा आपको वाला फीचर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिला तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप सिंपली उसको अपडेट कर सकते हैं इस ऐप को। तो अपडेट करने के बाद सिंपली उसको छोड़ दीजिए वैसे ही, और फिर आप जो असिस्टेंट आपका एनेबल कीजिए। असिस्टेंट एनेबल करने के बाद अपना लोगो या अपना आइकन में टैप कीजिए, आइकन या लोगो में टैप करने के बाद आपको ये फीचर मिल जाएगा, समझ लीजिए। सिंपली आप उसमें टैप कीजिए तो आपको ओपन हो जाएगा आपका अकाउंट। फिर योर इन्फो के बाद आपको असिस्टेंट में जाना है। देखिए जैसे कि उसका आपको मतलब सिंपली सामने वाले में जाना है असिस्टेंट में, और असिस्टेंट में जाने के बाद आपको सिंपली स्क्रॉल डाउन करना है असिस्टेंट में जाने के बाद। तो देखिए जैसे कि आपको पूरा योर इन्फो के बाद असिस्टेंट में जाना है, उसके बाद आप असिस्टेंट में जाके असिस्टेंट डिवाइस में जाना होगा, उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। पर्सनलाइजेशन में दिखेगा आपको एम्बिएंट मोड, आपको फीचर दिख जाएगा। अगर आपका लेटेस्ट गूगल मतलब आपका गूगल ऐप अपडेट होना चाहिए और आपका गूगल असिस्टेंट ऐप अपडेट होना चाहिए, तो आपको दोनों का ही लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से, जहाँ से आप डायरेक्टली अपडेट कर सकते हैं। सिंपली आप एम्बिएंट मोड को एनेबल कर दीजिए, और फिर आपको नीचे फोटो फ्रेम ऑन एम्बिएंट डिस्प्ले, अगर आपको फोटो चाहिए तो आप सिंपली इसको एनेबल कर दीजिए, नहीं चाहिए तो डिसेबल कर दीजिए। तो यही था जिससे कि आप यूज़ कर सकते हैं। छोटा सा वीडियो था बट इंटरेस्टिंग था। आपका ऑलवेज ऑन डिस्प्ले या एम्बिएंट मोड अनेबल हो जाएगा इससे। तो देखिए जैसे कि कैसे ये काम करता है, तो अभी देखिए ऐसे ये काम नहीं करने वाला। जैसे आप फ़ोन को चार्ज में डालेंगे वैसे ही आपका ये काम करेगा ऑनवेल ऑलवेज ऑन डिस्प्ले या एम्बिएंट मोड। तो देखिए जैसे कि अभी आपको स्वाइप अप टू अनलॉक का ऑप्शन दिख रहा है, जैसे ही मतलब इसमें चार्जर कनेक्ट होगा, तो देखिए जैसे चार्जर अभी डालने मतलब जैसे लगेगा चार्जर कनेक्ट हो जाएगा वो आपको दिख जाएगा। देखिए जैसे कि आपका तुरंत आ गया गेट योर पर्सनल रिजल्ट ऑन योर लॉक स्क्रीन। तो जैसे आप टैप कीजिएगा इसमें गूगल असिस्टेंट के लोगों में, तो आपको अपना हेल्प मिलने वाला है, जो भी आपको मतलब गूगल असिस्टेंट का काम हुआ करना स्टार्ट हो जाएगा, और काफ़ी इंटरेस्टिंग आपको लुक के साथ चार्जिंग आपको दिखने वाला, न्यू आपको चार्जिंग एनिमेशन मतलब न्यू आपको चार्जिंग स्टाइल बोलने से दिख गया, तो हाय हाउ कैन आई हेल्प यू, तो ऐसे आपको दिख जाएगा हेल्प क्वेश्चन मार्क, तो ऐसे आपको दिखने वाला है। तो ये फीचर अगर आपको अनेबल करना है सिंपली ये स्टेप फॉलो कीजिए। सिंपली आप गूगल ऐप को अपडेट कर दीजिए, गूगल असिस्टेंट को अपडेट कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहाँ से आप डायरेक्टली उसको डाउनलोड करके अपडेट कर सकते हैं। तो ये सब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जिसको मतलब अनेबल करना है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले या एम्बिएंट मोड। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय। और चैनल तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें टाइम लगता है मुझे बनाने में, और आपको हेल्प भी हो जाता है। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, आपका मतलब जो भी दोस्त मतलब MIUI 11 यूज़ करता है या कोई भी Xiaomi या एंड्रॉयड डिवाइस यूज़ करता है। तो